न्यूज में आपका स्वागत है और IN7 की टीम बुंदेली यात्रा में छतरपुर में मौजूद है। हमारे साथ है सपाक्स वरिष्ठ नेता। आपसे हम जानेंगे कि विकास की क्या कुछ स्थिति है। भैया, विकास के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारे तीन प्रश्न हैं। क्या यहाँ पर आज आरक्षण आज आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए? क्या देश में आज दो प्रकार की जात समाज होना चाहिए? एक होना चाहिए सामान्य वर्ग, दूसरा होना चाहिए गरीब वर्ग। सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है, चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग से हो, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ना कि हमको आज वर्ग विशेष को आरक्षण का लाभ देना चाहिए। दूसरा हमारा जो मुद्दा है एट्रोसिटी एक्ट। एट्रोसिटी एक्ट के तहत यदि आज कोई भी व्यक्ति हमारे सामान्य पिछड़ा या अल्पसंख्यक भाई यदि हमारा जेल जाता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार और उन सभी दलों से जो कि एट्रोसिटी एक्ट में आज जिन्होंने तालियां बजाकर इसको पास किया है, कि जब हमारा वह भाई जेल से आज बेगुनाह साबित होगा और बाहर आएगा, तो सरकार उसको कितना रुपए देगी, उसको क्या करेगी? उसके लिए आज कोई विचार नहीं है। सिर्फ क्या जो व्यक्ति रिपोर्ट करेगा उसी को 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक सरकार देगी। और तीसरा हमारा अहम जो मुद्दा है, क्या सरकार कृषि के लिए कुछ करने जा रही है? क्यों नहीं सरकार आज जब भारत देश के 70% हमारे देश के नागरिक कृषि पर आधारित हैं, हमारे किसान भाई जो कृषि के भरोसे हैं, क्यों नहीं आज उनके लिए कृषि विश्वविद्यालय हर जिले में खोला जा रहा है? क्या आज हम सिर्फ 1 एकड़ जमीन में 15 से 20 हज़ार गेहूं चना सोयाबीन की ही फसल ही पैदा करते रहेंगे? आज जब विदेशों में लोग 5 से 10 हज़ार रुपये की नौकरी छोड़कर से कृषि करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे देश के लोग आज अपने गाँव से जमीन बेच के और तो शहरों में 5 से 10 हज़ार रुपये की नौकरियाँ करने जा रहे हैं, इससे हमारा देश समृद्ध नहीं होगा? और इस प्रकार की यदि विचारधारा हमारे देश में चलती रही, तो भारत पाकिस्तान से युद्ध तो बाद में होगा, पहले हिंदुस्तान में ही युद्ध होगा। हमें इन हालातों से बचाना है तो आज सबको जात पे ना पात पे वोट देना होगा सपाक्स पार्टी पे। तो साफ तौर पर सपाक्स ने चुनावी तैयारी अपनी पूरी की है और चुनाव लड़ने में भी अब तमाम जगह से प्रत्याशी की भी घोषणा की है। अब देखना यह होगा आगामी विधानसभा में जनता का दिल सपाक्स कैसे